फरुखाबाद में एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हरदोई के विकासखंड सवाईजपुर क्षेत्र के गांव शैजना से एक परिवार बच्चे का मुंडन कराने पांचाल गंगा घाट के लिए ट्रैक्टर पर निकला था कि तभी उत्तरी बंदा पर उतरने के दौरान ट्रैक्टर पलट गया। स्थानियों ने दुर्घटना में घायल परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्घटना में बच्चे की मां का निधन हो गया, जिससे परिवार में शोक पसर गया। परिजनों का आरोप है कि मौके पर न डायल 100 पहुंची, न ही एम्बुलेंस, जिसके चलते घायल की मौत हो गई। हम तो चले गए सर मरीज लेके, एम्बुलेंस भैया बहुत टाइम लगाया, एक घंटा 1.5 घंटे के बाद हम लोग पड़े रहे जी 2 घंटे के बाद हम लोग कितने बजे आ गए 1.5 घंटे पड़े रहे एम्बुलेंस का 3 बजे 2 बजे पलट गया था 1.5 घंटा हो गया 2 घंटे हो गए। वहीं अंबेडकर नगर अकबरपुर फैजाबाद मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रेवलर अनियंत्रित होकर गोपालपुर चौराहे के पास पलट गया। स्थानीय युवकों की मदद से बस को तुरंत उठाया गया। इस दुर्घटना में ट्रेवलर में सवार एक लड़की और महिला की दबकर मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को कोटेहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बस एक आ रही थी लखनऊ से आजमगढ़ की तरफ जा रही थी, गोपालपुर कस्बे के पास ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाने से पलट गई है बस, जिसमें 5-6 लोग इंजर्ड हैं और 2 लोग गंभीर से घायल हैं। एक महिला गंभीर रूप से घायल है और एक लड़की गंभीर रूप से घायल है। इनका सबका इलाज जिला अस्पताल अकबरपुर में कराया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेवलर को रास्ते से हटाया, जिससे आवागमन दोबारा शुरू हुआ। बहरहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। फरुखाबाद से दिलीप कटियार, अंबेडकर नगर से कार्तिक द्विवेदी की रिपोर्ट।